हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग एंड मैं व्लॉग कर रही हूँ अपने बर्थडे के लिए। शॉपिंग करने जा रही हूँ एंड जीन्स मैंने ले ली थी, मैं थोड़ी सी डाइसी हूँ उसके लिए। देखते हैं कि मुझे ड्रेस मिलेगी या मैं टॉप ले लूँगी उन जीन्स वगैरह। तो मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे बर्थडे में क्या पहनना चाहिए, बट जस्ट मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग करने के लिए। मैं थोड़ी सी खुश हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बट देखते हैं। और अभी मैंने नहा धो के कपड़े पहन लिए एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी। मैंने स्किन प्रेप कर ली है बट सनस्क्रीन लगाना भूल गई, तो सनस्क्रीन लगा रही हूँ एंड देन बहुत ही थोड़ा सा मेकअप एंड देन आई एम गोइंग। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं मॉल जा रही हूँ या मैं मार्केट जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता है। अब मैं नीचे जाऊँगी फिर मैं डिसाइड करूँगी ड्रेस के साथ कि मुझे करना क्या है। तो तब तक मैं रेडी होती हूँ, पहले तो फिलहाल रेडी हो चुकी हूँ एंड नाउ कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं कर रही हूँ मैं, बस बेसिक हेयर स्टाइल और मेकअप ही नहीं किया है, बस थोड़ा सा ब्लश एंड लिपस्टिक लगा के काजल लगा के हो गया मेरा। एंड नाउ जब हेल्थ से फील अच्छा नहीं करते हो ना, तो कुछ भी करने का मन करता नहीं है। ओके डन, मैंने बस एक टी शर्ट पहनी है और जीन्स पहनी है एंड दैट्स इट। अभी बर्थडे के आसपास ही मेरी स्किन ब्रेकआउट करनी है सारी, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा है, इतने टाइम हो गया। मैंने बहुत ही लूज सा टी शर्ट पहना है, हो गई बस रेडी काफ़ी, दैट्स इट, चलते हैं। फेवरेट अपनी सैंडल्स पहन रही हूँ, ये सबके साथ चल भी जाती है और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। हम लोग आ गए एम्बियंस मॉल, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे क्या लूँ यार मैं। अभी मैं अपने नॉर्मल रेगुलर कपड़ों के लिए ट्रेंड चेक करती हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ की कलेक्शन कैसी है। आई लाइक दिस ड्रेस ऑल्सो, बहुत अच्छी लग रही है एंड आई लाइक ये वाला कोट भी। चार्ज नहीं चाहिए, ये कौन सा है। अब हम आ गए हैं कुछ बिना शॉपिंग करे, सबसे पहले आए हैं हम कहाँ पे, फूड कोर्ट में। कुछ खाना है, भूख लग के क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो कुछ खा लेते हैं एंड देन उसके बाद देखेंगे क्या करना है, कहाँ जाना है। क्या पता मार्च के टाइम ना अच्छी कहीं पे भी ना कलेक्शन अच्छी होती नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद सीज़न स्टार्ट होता है इसलिए नहीं होती है, बट बहुत बकवास कलेक्शन होती है इस टाइम पे। अप्रैल से अच्छी कलेक्शन स्टार्ट होती है। तो मैंने KFC ऑर्डर किया है, तो KFC खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जैस की बकवास सुनो, जैस को ना फेस पे पिंपल आ रहे हैं छोटे छोटे और प्रॉपर ऐसे वाले, और कह रही है कि नज़र लग गई इसके, जब भी पिम्पल आते हैं वो पे तो उसको नज़र लग जाती है। तो इसको क्या बोले, ये जो हो रहा है ये गंदा गंदा सा नास्टी सा, ये क्या, व्हाट इज दिस। फिर मेरे को तो देर से ज़्यादा नज़र लगी हुई है, फिर मेरे को कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, पर हाँ गर्मियाँ आती है तो होते हैं। खाना फाइनली आ गया है और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, मैंने सिर्फ रोल लिया है, बाकी सब इसका है। शक्ल देखो इसकी, खुशी खुशी देखो खुशी। कवर स्टोरी चेक करते हैं, नो मेरे को ऐसे में ओवरसाइज शर्ट चाहिए। क्या साइज है ये, कॉल देखिए एक बार।
कैसी लग रही है? ये ब्लू शर्ट ट्राई करने का मैंने मैं आती हमेशा अपने लिए कुछ पार्टी वेयर या बर्थडे ड्रेस से निकले और हमेशा कुछ नॉर्मल कैजुअल ही लेके जाती हूँ। तो ये ट्राई करती हूँ शर्ट एक बार। नो नॉट दिस, ये स्मॉल साइज है बट और भी लॉन्ग होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। गाइस बर्थडे ड्रेस छोड़ो, ये कैजुअली कैसा लग रहा है। एम्ब्रॉयडरी के पास से thinking to buy the scarf. I just need to know what's on your mind. Thousand years later. So guys, I'm back home और मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं बहुत थक गई हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ अब। एंड हाँ, इतना तो पता ही होगा, मेरे बैग देख के पता चल रहा होगा कि मैंने ज़ारा से ही कुछ खरीदा है। तो लेट्स सी कैसा लगता है। मैंने कुछ भी इस बार फैंसी नहीं लिया है, कुछ बहुत ब्लिंगी नहीं लिया है और मतलब इतना ब्लिंकी नहीं लिया है, आई मीन टू से दैट। वरना मैं थोड़ा सा बर्थडे ड्रेस सोचती हूँ कि थोड़ा सा स्पार्कल्स एंड ऑल, यू नो, सीक्वेंस एंड ऑल हो, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया इस बार। एंड थोड़ा बहुत लिया है, आई मीन टू से थोड़ा सा लिया है। समझ रहे हो ना। एंड देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं चाह रही बिकॉज अब थोड़े बड़े हो रहे हैं एंड हमेशा वैसे वाले ही कपड़े पहनने ज़रूरी नहीं है ना, ब्लिंकी वाले। तो वही है, थोड़ा सा डांट भी पड़ती रहती है कि वो कपड़े लो जो बार बार यूज़ हो सके, ऐसे कपड़े ले लेती है कि यूज़ नहीं होते। मम्मी तो स्पेशली बहुत डांटती है और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा सा ऐसे कपड़े लिया करो कि जो यूज़ हो पाए बार बार। तो उसी को सोच के मैंने थोड़ा सा ऐसा ही कपड़ा लिया है। एंड देखते हैं, मैं एक चीज़ से बहुत खुश हूँ जो मुझे मिली है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अब शाम हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। उसके बाद मेरे को एक दो काम और है वो भी करने हैं, तो तब तक के लिए मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। ये हमारी नई मॉम है। पहले ये लड़की इसकी मम्मी थी,
अब वो इसका दुश्मन वो आ गया तो ये वेट करता है, जब इसको ये रखे तो ये जल्दी से इसकी गोदी पे कूद जाता है। पाबी ये एक नंबर का अग्रेसिव कटखन्ना कुत्ता हमारे साथ रहा ये बचपन से, और अब ये देख के इतना घुर्राता है। पाबी मैं बहुत कोशिश करती हूँ मेरे पास आए बट नामुमकिन। हम बैक होम और आवाज़ भी गई हुई है तो मैंने अब चेंज कर लिया है, अपने नाइट सूट पे आ गई हूँ एंड अब सोने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी, मैंने चेंज में किया, थोड़ी देर बैठी हुई थी और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। स्किन केयर मैंने कर लिया है, आज का थोड़ा टायरिंग डे था बट अच्छा डे था सबके साथ मिलना। चलना मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपने बाल में ना ऐसे प्लैट करके सोऊं। मैं हमारा सिक्योर विद बैंड क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था तो ये एक टिप रहेगी कि आप अपना अच्छे से प्लाट बना के रखो तो उससे हेयर फॉल कम होता है, रात को कम बाल टूटते हैं, नहीं तो पूरा पिलो पे रहते हैं बाल ना। मुझे इतना ज़्यादा कंजेशन होता है दैट आई कैन इवन टॉक अच्छे से। तो बस अब मैं सोने जा रही हूँ, अभी माई स्किन थोड़ा बेटर फील कर रही है, नहीं तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एनीवेज अब इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम गोना मेक माय नेक्स्ट वीडियो कि मैंने क्या 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 ख़रीदा है, तो आई एम गोना शो इट इन माय नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली। तो मुझे मेडिसिन लेनी थी, मैंने सारी मेडिसिन ले ली है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। एंड आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मैं मिलूँगी अपनी दूसरे वीडियो में, जो भी मुझे बनानी है कि मैंने क्या क्या बर्थडे गिफ्ट खरीदे हैं वो सब दिखाना है। वो सब दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद मैं वो वीडियो मेरी अप हो जाएगी ऑन ट्यूजडे, हाँ मेरे बर्थडे के बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी मैंने क्या लिया बर्थडे से पहले, मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। तो ट्यूजडे को वो वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वाला व्लॉग आएगा फ्राइडे को, मेरा बर्थडे पड़ रहा है मंडे को। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जो मैंने क्या क्या लिया है वो आएगी ऑन ट्यूजडे, तो ट्यूजडे को मैं अपलोड कर दूँगी, तब आप देख लेना। तब तक मैं थोड़ी ठीक भी हो जाऊँगी होपफुली। तो टिल देन बाय, टेक केयर।